तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इरोडोप का, इसमें तीन क्वेश्चन है, एक ही में थ्री क्वेश्चन है। तो हम लोग तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो फाइंड द पहला पार्ट ये करूँगा, फिर इसमें दो, इस वाले पार्ट में दो क्वेश्चन है, तो कुल मिला के तीन क्वेश्चन है इसमें। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट मास एंड लोकेटेड डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। देखो, एक मास M1 है और एक मास M2 है, तो ऑब्वियसली इनमें इंट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो यार, इनके बीच जो एनर्जी है वो आई कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहला जो मास M1 है, अगर इस दुनिया में, समझना, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में ये बेचारा अकेले है, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसको ये रहते कहाँ हैं? सबसे पहले ये रहते हैं इन्फिनिटी पे। इनका एक्चुअल जो घर है, मैं मान लेता हूँ अजम्पशन कि ये, ऐसा माना जाता है कि ये इन्फिनिटी पे रहते हैं। तो इसको लाने में कोई वर्क नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक छोटा पॉइंट मास यहाँ M2 था, उसको जब मैं लाऊंगा, और मैं किसी भी पाथ से लाऊं, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस पॉइंट P पर लाया, जो कि मास M2 है, तो अब मैं लाऊंगा, तो ये देखो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से खुद में खुद ही चला आएगा। तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी, हियर वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, अपने आप चला आया होगा, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये आप किसी भी पाथ से ला दो, ठीक है, ऐसे ला दो, तो ये वर्क डन हो, इनके बीच इंट्रैक्शन एनर्जी वो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर इनके बीच अब जो वर्क डन हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है, वो वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, और वो एनर्जी अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकाल लूँ, तो इनके बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है वह एनर्जी मुझे पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब मैं निकालता हूँ किसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ, तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आ जाएगा, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वर्क डन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स का। तो चलो मान लो ला रहे थे, लाते लाते यहाँ से तुम ला ही रहे थे इधर, और पी पॉइंट पे लाने से पहले मान लो तुम पी डैश पे लाए थे, तो इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, जिसकी डायरेक्शन इधर है, फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 है। समझ रहे ना, फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 0 है, ध्यान देना। तो यह आ जाएगा FdxCosθ, cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब FdxCos0। तो cos0 की वैल्यू 1 हो गई। तो FdX इज द स्मॉल वर्क डन, W इज द वर्क डन बाई द ग्रेविटी है। अब इस फोर्स की वैल्यू मैं रखूँ तो GM1 M2 जनरल डिस्टेंस x² इज इक्वल टू dx, दैट इज द dW, दिस इज द वर्क डन। तो अगर मैं इस वर्क डन को निकालने की कोशिश करूँ, तो अब मैं टोटल वर्क डन प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूँ, तो लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो लिमिट जाएगा, पहला लिमिट इन्फिनिटी पर था तो वर्क डन 0 था, उसके बाद लिमिट एक्स की जो लिमिट जाएगी आर टू वर्क डन डब्लू हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जी M1 M2 ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ठीक है। तो 0 to R, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जी M1 M2 और 1/R माइनस 1/ये इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 है। तो कुल मिला के तुम देखोगे जो वर्क डन आया या पोटेंशियल एनर्जी आया, वो आ जाएगा माइनस जी M1 M2 ओवर R। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो
तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पहले से रटा हुआ है जी एम वन एम टू ओवर आर और माइनस इन्फिनिटी पे जीरो, बट ये हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया रिजल्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसका पार्ट टू दूसरे वीडियो में आप देख लेना।